आध्यात्मिक अनुराग की बात समझते हो, वो कैसा होता है? जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुराग आ जाता है उसकी सब खोज समाप्त हो जाती है। फिर तो ना उसे ब्रह्म चाहिए ना ब्रह्मांड चाहिए। चाहे इस जगत के हजारों अरबों खरबों कितने ही प्रलोभन क्यों न आए, उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए, तब वो शहंशाह बनता है। क्या लगता है? जिसको कछु न चाहिए वो शाहन का शाह है। वो शाहन का शाह बनता कैसे है? ऐसे उसकी खोज समाप्त हो जाती है। अब उस खोज के आगे ब्रह्म आए या ब्रह्मांड आए या दिव्य शक्ति आए या पराशक्ति आए, या कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि कोई कह दे कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म के भी पिता है, तो भी उसको उससे कोई मतलब नहीं। इसको कहते हैं अंतिम पड़ाव। अंतिम पड़ाव का कहां कब आएगा जगत का? ये एक ऐसी चैन है जो कभी रुकने वाली नहीं। पड़ाव वो है जहां तुम रुक गए। मेरी खोज समाप्त हो गई, बस अब मुझे इससे आगे कुछ भी नहीं चाहिए। चाहे जिसको जो देना हो दो दे, मुझे नहीं चाहिए। ये खोज समाप्त हो जाना कहा जाता है। अब कुछ नहीं चाहिए। और जब ये खोज समाप्त हो जाती है, तब से वहां से नई जिंदगी शुरू होती है। तू मैं बन जा, मैं तू बन जाऊं। उस अवस्था में आप स्वयं प्रभुमयी होकर प्रभु के कार्य प्रभुता से, प्रभु भाव से, प्रभु के लिए करने लगते हो। और जैसे जैसे तुम वो कार्यों में चलते जाते हो, ऐसे तुम्हारी प्रभुता का विकास होने लगता है और एक तुम्हारा नया जन्म और एक नया शरीर विकसित होता है। वो अनुराग में अनुराग है। जैसे माँ के पेट के अंदर बच्चा तो गर्भ में आ तो जाता है, पर माँ जब बच्चा गर्भ में होता है तब माँ अपने अंतर मन से प्रेम से उस बच्चे को दुलार देती है। माँ उस बच्चे के बारे में जैसे सुंदरता से सोचती है, उस बच्चे को अंदर एहसास होता है कि मेरी माँ मेरे बारे में बहुत प्रेम भरा सोचती है, मेरी माँ पेट के ऊपर हाथ हिला रही है, मुझे बुला रही है, मुझसे बातें कर रही है। ये होता है इस तरह से। यहाँ जैसे जैसे तुम अनुराग के अंदर प्रभुता में चलते चले जाओगे, ऐसे ऐसे उस परावस्था तुम्हारा प्रेम से विकास करती जाएगी और तुम्हें दुलार करती जाएगी और तुम ब्रह्मों के भी ब्रह्म बनते जाओगे। इसे हर एक अवतार सुंदर तो है, पर अगर आप किसी अवतार से आकर्षित होते हो तो जैसे कृष्ण अवतार है, हर एक अवतार बहुत भीषण तो है, पर भीषण अवतारों में राम से बड़ा क्षत्रिय तुमको दिखाई न देगा। ऐसे हर एक क्षेत्र की हर एक महत्वता होती है। ऐसे तुम एक दिव्य आकर्षक और मन भावन एक सुंदर ब्रह्म होते जाओगे। ब्रह्मांडी की सृष्टि तो अनेक है। वो जगह है जहाँ अनंत 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 सूर्यों का निर्माण होता है, वहां कितना तेज होगा। तुम इस जगत के पाप पुण्य मर्यादा सत्य असत्य झूठ चोरी ये सब चीज सीखे हुई यहाँ के प्रोग्राम है, वहां इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। वो खो जाने से मिलता है।